नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी के सामने जय श्री राम के नारे लगे पराक्रम दिवस में, तो उन्होंने मंच पर जाकर ये कह दिया कि बेइज्जती करने के लिए मुझे क्यों बुलाया गया है यहाँ पर। इन सारी चीजों का जिक्र इसलिए क्योंकि अब हरियाणा से अनिल विज का ये बयान सामने निकल कर आया। क्या कहते हैं अनिल विज साहब? अनिल विज साहब बोलते हैं कि ममता के सामने जय श्री राम कहना सांड को लाल कपड़े दिखाने जैसा है। जी हाँ, यानी सांड को जब लाल कपड़ा दिखाया जाता है तो गुस्से से लाल पीला हो जाता है। और यही हुआ कोलकाता में भी, जब ममता बनर्जी के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर थे, जगदीप धनखड़ वहां पर थे। इसके बाद जो बात सामने निकल कर आई वो ये कि ममता बनर्जी को मंच पर बुलाया जाता है बोलने के लिए पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती। लेकिन जब वो इस पर बोलना शुरू करने ही वाली थी कि जब तक वो अपनी जगह से मंच तक पहुंचती है, जय श्री राम के नारे लगने लगते हैं। अब हमें यह समझ नहीं आता कि जय श्री राम के नारे लगने से ममता बनर्जी आखिर चिढ़ क्यों रही हैं। जय श्री राम के नारे से आखिर ममता बनर्जी को इतना गुस्सा क्यों आ गया कि सुभाष बाबू के बारे में बोलने से उन्होंने मना कर दिया। ये अपने आप में बहुत ज्यादा एक विडंबना वाली बात है। इसको किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता कि आप अगर आपके खिलाफ नारे लग रहे होते तो बात समझ में आती। तो अनिल विज जो हैं उन्होंने ये बात साफ कह दी है और अब ये पूरी तरह से साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि अनिल विज ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल ठीक था। क्योंकि ममता बनर्जी, अगर ममता बनर्जी के खिलाफ नारे लगते तो भी बात सामने निकल कर आती या समझ आती कि हाँ यार, आप किसी को बुला रहे हो, उसके बाद वहीं पर जो समर्थक बैठे हुए हैं वो उन्हीं के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। अब ये बात और है कि टीएमसी ये समझती है कि जय श्री राम के नारे लगाना मतलब उनका विरोध करना है। ये बात कहीं से भी हजम नहीं हो रही है, डाइजेस्ट नहीं हो रही है। तो ममता बनर्जी, हालांकि इस पर उनसे सवाल जरूर किए जाएंगे कि जय श्री राम के नारे के बाद आपने खुद अपना भाषण क्यों रोक दिया या आपने सुभाष बाबू के बारे में क्यों नहीं बोला, लेकिन मुझे लगता है अनिल विज ने बिल्कुल सही कहा। ममता के सामने जय श्री राम कहने का मतलब है सांड को लाल कपड़ा दिखाना। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।